नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा विगत वर्षों में जितने भी विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको हल कर रहे हैं। इस क्रम में जो आज का वीडियो, ये चौथा वीडियो, इससे पहले तीन वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं वो हर प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, जहाँ पर विज्ञान पूछा जाता है, क्योंकि व्यवहारिक विज्ञान ही पूछा जाता है और इसमें भी जितने भी प्रश्न हैं सब व्यवहारिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है। ठीक है, वजन मापता मतलब भार मापता है। भार W बराबर हमारा होता है M इंटू जी, या M क्या होता है बस उसका द्रव्यमान, और जी होता है उसका गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान दिया 600 न्यूटन। ठीक, यदि वह व्यक्ति 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पे खड़ा हो जाए। कह रहा है कि यदि कोई लिफ्ट है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर नीचे आ जा रही है, ठीक है, उसी पे वह उसी तुला को ले जाके उसी पे खड़ा हो जाता है, तो बताइए उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। जब उस तुला को लेके जाता है वो लिफ्ट में, उस समय उसका भार हो जाता है W बराबर mg प्लस ma। ठीक है, m क्या है उसका द्रव्यमान है, जी क्या है गुरुत्व त्वरण है, ए क्या है उसका जो लिफ्ट है उसका त्वरण। ठीक है, जब समान गति से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहा है, तो ए का मान क्या हो जाता है उस समय, जीरो हो जाता है। ए का मान क्या हो जाता है, जीरो। इसको इस समीकरण को अगर और हल करें हम लोग, तो यम कॉमन ले लेंगे तो यम बराबर हो जाएगा जी प्लस ए। ठीक है, अब जब एक समान गति से ऊपर जा रही है लिफ्ट, ए का मान जीरो है, ए का मान जीरो है यदि है, तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा यम जी प्लस जीरो, या कहें यम इंटू जी। ठीक है, और यम और जी का मान दिया है क्या, 600 न्यूटन। यहाँ हमने देखा यम इंटू जी बराबर 600 मीटर। कहने का मतलब जब लिफ्ट एक समान गति से मतलब 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रही है, तो वही व्यक्ति यदि उसी लिफ्ट में एक तुला पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, जिस तुला पे पहले उसने नापा था उसी पे खड़ा हो जाता है, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वह किसी त्वरण से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं त्वरण ए से, ठीक है, इस बार क्या है जीरो ना होगी, तो त्वरण का मान ए है, तो क्या होगा उसका जो भार होगा W बराबर m इंटू जी प्लस m इंटू ए, m कॉमन करेंगे जी प्लस ए। यदि ए का मान कुछ होगा, ठीक है, जब जो हमारा लिफ्ट होगा किसी भी त्वरण से ऊपर जाएगा, किसी एक्सीलेशन के साथ ऊपर जाएगा, तो ए का मान कुछ ना कुछ होगा। जब जी में ए का मान जुड़ेगा तो ये जी का मान जितना होगा 9.8 के आसपास होता, उससे कुछ बढ़ जाएगा, मान लेते 10 हो गया। अब 10 का यम में गुणा करेंगे तो मान जो होगा ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब जब कोई लिफ्ट किसी एक्सीलेशन किसी त्वरण से ऊपर जाती है, तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भार बढ़ रहा है। और जब वह किसी एक्सीलरेशन से नीचे आ रही होती है, ठीक है, किसी एक्सीलरेशन से किसी त्वरण से नीचे आ रही होती है, तो यहाँ जो प्लस का चिन्ह है यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब भाग W बराबर हमारा हो जाता है m कामा g माइनस a। ठीक है, a का मान जितना भी होगा वो g से घट जाएगा। जब g से घट जाएगा, मान लेते कुछ भी हो, तो जी का मान 9.8 होता है, इससे घट के 9 हो गया। अब यम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से कम आएगा। तो कहने का मतलब यदि अब व्यक्ति का भार पूछा जाए तो उसका जो नॉर्मल भार है उससे कम प्रतीत होगा। ठीक है, और तीसरी बात ये होती है, यदि कभी ऐसा हो गया कि लिफ्ट की डोरी टूट गई, ठीक है, जो तार था जिससे लिफ्ट टिका था टूट गया, लिफ्ट मुक्त रूप से गिरने लगा, तो उसमें व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा। जब मुक्त रूप से गिरने लगता है कोई पिंड, तो उस समय क्या होता है, ए का मान एक्सीलेशन ए बराबर हो जाता है हमारा जी के बराबर। ठीक, ए जो होता है वो जी के बराबर हो जाता है। इस समय क्या हो गया, डब्लू बराबर, जब ए बराबर जी हो गया तो डब्लू बराबर होता है यम जी माइनस यम ए। ए का मान कितने के बराबर हो गया, जब मुक्त रूप से गिर रहा था जी के बराबर हो गया, तो यम जी माइनस यम जी तो बराबर हो जाएगा जीरो। तो इस समय कितना भार पता चल रहा है, जीरो। तो कहने का मतलब आप 5 चीजें आप याद रखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही हो, ठीक है, उस समय क्या होता है,
जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे जा रही होती है उस समय एक्सीलरेशन का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो उस समय व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, जीरो होता है। जब किसी त्वरण से ऊपर नीचे जा रही हो, जब ऊपर जा रही होती है तो वही त्वरण जुड़ जाता है, तो बस तब आभासी भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब कुछ त्वरण से नीचे आ रही होती है तो वही भार घटता हुआ प्रतीत होता है। और जब टूट जाती है डोरी तो क्या हो जाता है, जब डोरी टूट जाती है तो एक एक्सीलरेशन जो होता है वो जी के बराबर हो जाता है, तो एम जी माइनस एम जी बराबर जीरो, तो डब्ल्यू का मान हमारा आ जाता है भार बराबर जीरो, तो बस का भार शून्य प्रतीत होता है, ठीक है, तो बस का भार शून्य प्रतीत होता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, कभी अगर ऐसा हो जाता है कि जी का मान कम हो जाए ए के मान से, ठीक है, जी का मान ए के मान से कम हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति जो लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट में बैठा है, यहाँ खड़ा है, ये क्या हो जाएगा, ये छत से जाके लड़ जाएगा, ये छत से जाके लड़ जाएगा। तो यहाँ 6 प्रश्न बनते हैं, 6 की मैंने व्याख्या कर दी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपने 6 प्रश्न समझ गए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आई हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, इसे हम फिर से समझा देंगे। अगला प्रश्न है कि विसर्पी घर्षण कितना होता है, ठीक है, सीमांत घर्षण से थोड़ा अधिक, ठीक है, सीमांत घर्षण से थोड़ा कम, ठीक है। घर्षण क्या होता है सबसे पहले ये जाने, जैसे दो सतह है, ठीक है, एक बक्सा है, ये मान लेते बक्सा, ये कोई सतह इस पे रखा है, इसको हम इधर से धक्का दे रहे हैं, इधर से हम धक्का दे रहे हैं, तो ये सरक नहीं रहा, जब तक ये सरक नहीं रहा तब तक ये क्या है, सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण, जब तक ये खसक नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ये सरकना शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे ये सरकना इधर शुरू हो जाता है तब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विसर्पी घर्षण, विसर्पी घर्षण, ठीक है। सीमांत घर्षण का मान विसर्पी घर्षण से हमेशा अधिक होता, ठीक है, ये अधिक होने के कारण हमारे धक्का लगाने के बाद भी सरक नहीं रहा होता, लेकिन जैसे ये सरकना शुरू कर देता है सीमांत घर्षण खत्म हो जाता है, विसर्पी घर्षण आ जाता है, इसका मान कम होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जब ये बक्स सरकना शुरू हो जाता है तो हमें बल कम लगाना पड़ता है जितना हम पहले लगा रहे होते, कहने का मतलब घर्षण का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सीमांत घर्षण वह स्थिति होती है जिस समय, ठीक है, सीमांत घर्षण मतलब स्थैतिक घर्षण, उस समय बस खसक नहीं रही होती है, उस समय घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, जैसे खसकना शुरू कर देती है उस समय हमें कम बल लगाना पड़ता है, तो कहने का मतलब घर्षण बल का मान थोड़ा कम हो गया, तो विसर्पी घर्षण का मान जो होता है सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है। लोटनी घर्षण का मान अगर पूछा जाए तो लोटनी घर्षण, लोटनी अगर इसी में पहिया लगा दिया जाए तो लोटनी घर्षण हो जाएगा, तो उसका मान विसर्पी घर्षण से भी थोड़ा कम होता है, ठीक है, ये सब बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपके रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, विभक्ति शक्ति या रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर, विभक्ति शक्ति मतलब डिफरेंस करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य के अंग की पहचान करें, ठीक है, मनुष्य के उस अंग की पहचान करना होता है, ठीक है, यहाँ उस लिखने दे, पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो एल्वोलाई, जैसे जो हमारा फेफड़ा होता है, लंग होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, लंग है, इसमें क्या होता है, एल्वोलाई होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है, जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एल्वोलाई कहा जाता है, ठीक है। ब्रांकियोल, ठीक है, ब्रांकियोल भी इसमें होते हैं, जो चौड़ी नलिकाएं होती है ब्रांकियोल कहलाती है, और इसको जो घेरे होता है उसे कहा जाता है, लंग को जो घेरे हुए होता है उसको कहा जाता है फुफ्फुसा आवरण, ठीक है। तो एल्वोलाई, ब्रांकियोल और प्लूरा, ठीक है, ये सभी सभी लंग के भाग होते हैं, मतलब श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जो ग्लोमेरुलस होता है, केशकत्व होता है, ये जो होता है ये हमारे ब्रिक किडनी का भाग है, ठीक है, ये हमारे ब्रिक का भाग है, हम कहिए हमारे किडनी का भाग, ये हमारे लंग का भाग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक करता है, तो बच्चों को बढ़ने के लिए सोमैटोट्रोपिन हार्मोन साथ मदद करता है, ये हमारा जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, ये हमारे पीयूष
पीयूष ग्रंथ से सिक्रीट होती है, और पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ होती है, ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी ग्रंथ होती है, उसी से सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह सेल के बढ़ने में, ठीक है, सेल के ग्रोथ में मदद करता है, इससे क्या होता है बच्चों में विकास होता है, ठीक है, ये होता है सोमेटोट्रॉपिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। कोरोनरी धमनी जो होती है वो हमारे हृदय में विद्यमान होती है। हृदय क्या करता है, हृदय जो होता है पूरे शरीर को रक्त पंप करता है, ठीक है, पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है, लेकिन हृदय को भी रक्त चाहिए ऑक्सीजनेटेड ना, क्योंकि हृदय को भी अपने मसल्स को मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो जो धमनियां हृदय की मसल्स को रक्त पहुंचाती हैं, रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, उनको कहा जाता है कोरोनरी धमनी। जब इसी धमनियों में रुकावट आ जाती तो हार्ट अटैक की संख्या संभावना बढ़ जाती, ठीक है। कोरोनरी धमनी का केवल काम होता है कि जो हर्ट है, जो हमारा हर्ट है, उसी को, उसकी मसल्स को, उसकी सेल्स को क्या करना, रक्त को पहुंचाना, ठीक है, उनको उनकी जो उनकी उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो कोरोनरी धमनी हमारे हृदय में विद्यमान होती है और इसका काम होता है हृदय की जो सेल्स है उस तक रक्त पहुंचाना, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, ठीक है, पीयूष ग्रंथ से स्रावित नहीं होता, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथ से मतलब स्रावित नहीं होता। ये हमारा सिक्रेटिन, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, सिक्रेटिन, ये पीयूष ग्रंथ से सिक्रीट नहीं होता, ये हमारे डियोडेनम से सिक्रीट होता है, ठीक है, ये हमारे डियोडेनम से, डियोडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, डियोडेनम से सिक्रीट होता है, ठीक है, डियोडेनम के यस सेल से सिक्रीट होता है सिक्रेटिन। बाकी जो हमारा प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथ से, ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथ हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ है, ठीक है, और थायराइड ग्रंथ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है, और अग्नाशय जो है या ये पैंक्रियाज कहें, पैंक्रियाज हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है, ठीक है, और दूसरे नंबर की भी ग्रंथ है, अगर साइज में देखें दूसरे नंबर की ग्रंथ है, मिश्रित ग्रंथ में देखें तो सबसे बड़ी ग्रंथ है कौन सी, हमारी पैंक्रियाज, अग्नाशय। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, उसकी क्लोनिंग की गई थी, ठीक है, जो डाली भेड़ थी उसको क्लोनिंग करके ठीक हूबहू उसी प्रकार की जेनेटिक और उसी प्रकार की दिखने वाली संरचना में उसको उत्पत्ति किया गया था, और उसको किया गया था क्लोनिंग के जरिए डाली भेड़ की उत्पत्ति की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। तो सकल कैलोरी मान का मतलब हो गया कि प्रति ग्राम अगर इनमें से कौन से भोजन लें, ठीक है, ये प्रश्न आयोग ने सबसे ज्यादा पूछा, ठीक है, सबसे ज्यादा, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन से प्रश्न ना पूछा गया हो, ठीक है, दो दो तीन तीन प्रश्न हर एग्जाम पूछे गए। तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, मिनरल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। तो प्रति ग्राम हमने आपको बताया था कि वसा जो होता है 9.5 के आसपास, ठीक है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आसपास क्या देती है, ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होता है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और अगर विटामिन की बात करें तो 0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देती है, ठीक है, विटामिन हो गया, ठीक है, हमारे मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या, इनसे 0 किलो कैलोरी ऊर्जा में मिलती है। और सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका हो गया, हमारा फैट का, ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरी मान हो गया हमारा फैट का। लेकिन ये एक बार घुमा के प्रश्न पूछ लेता है कि ये बताइए कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे सबसे ज्यादा मिलती है। तो हमारे शरीर में जो संतुलित भोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा अपने भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं, पूछ रहा है इसमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो जल चक्र में सम्मिलित नहीं है। तो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, वर्षण और वाष्पोत्सर्जन, ये तीनों क्या है, जल चक्र में से संबंधित है, लेकिन विसरण जो है, विसरण ये जल चक्र से संबंधित नहीं। ये कैसे संबंधित है, मान लेते हैं कि यहाँ एक तालाब है, यहाँ से जल क्या होगा, वाष्पित होके क्या करेगा, ये जल जो इसमें तालाब में जो जल है ये वाष्पित होके जाएगा और ये बादल बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बादल बनाएगा,
और जो पेड़ है हमारे, जो हमारे पेड़ लगे हैं, ठीक है, जो हमारे पेड़ लगे हैं इनकी जो पत्तियां हैं इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, उनके उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जो जल होता है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल पत्तियों के थ्रू बाहर निकलता है। जैसे ही एक पौधा है यहाँ से जल, जड़ से जल लेता है, जितना काम होता है काम करता है, अपने लिए भोजन बनाता है जल का उपयोग करके, ठीक है, और जो इसकी जरूरत नहीं होती उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है। तो ये भी क्या करता है, जाके बादल बना देता है, और फिर क्या करता है, ये वर्षण प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर ये जमीन पे गिर जाता है। तो वाष्पन की क्रिया हो गई, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो गई, वर्षण की क्रिया हो गई, ये सब क्या है, ये जल चक्र का भाग है। लेकिन जो विसरण है, विसरण का मतलब होता है कि यहाँ जैसे एक ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिसमें कोई द्रव है, ठीक, उसके बाद यहाँ एक हमने फिल्टर लगा दिया, ठीक है, एक फिल्टर लगा दिया, फिर यहाँ एक द्रव रख दिया, अगर इसमें सांद्रता ज्यादा है इसमें कम है तो विसरण के थ्रू इधर से जल क्या होगा, इधर से जल इसमें आके मिल जाएगा। तो ये क्रिया होती है विसरण की, ठीक है, ये क्रिया होती है हमारे विसरण की, ये जल चक्र से कोई इसका मतलब नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित जीवों में से किस में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, जो जितने भी यूकैरियोटिक है, ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक है उन सभी में व्यवस्थित न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ये दिखाई पड़ता है, व्यवस्थित होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाद इसी में जो उनका जो न्यूक्लियस का जो भाग होता है क्रोमोसोम, इसी में छिद्र रहता है, इसी में इसके छोटे छोटे ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे तरीके से व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है, एक गोले एक झिल्ली के अंदर व्यवस्थित नहीं, जैसे इसमें झिल्ली के अंदर है, यहाँ ये झिल्ली नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होता है। ये क्रिया होती है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है, बाकी एंटामीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पायरोगाइरा हो गया, सब के सब क्या है, ये यूकैरियोटिक है। तो इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड पाया जाता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड पाया जाता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, बाकी सभी न्यूक्लियस के किनारे किनारे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, क्लोरोफॉर्म क्या है, ये द्रव है। आपने मूवी में देखा है कि एक शीशी लेके आते हैं, शीशी से क्लोरोफॉर्म अपने रुमाल पे गिराते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सुंघा देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है, तो क्या है, शीशी में द्रव रूप में क्लोरोफॉर्म था, तो ये क्या है, द्रव। आप एथिल अल्कोहल दारू पीते हैं, दारू क्या होता है, द्रव फॉर्म में होता है। ईथर क्या होता है, ये भी द्रव फॉर्म में होता है लेकिन बहुत जल्दी ही वाष्पित हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल और ईथर जो है ये सब के सब क्या है, द्रव है। लेकिन आयडोफॉर्म क्या है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये क्या, ठोस अवस्था में आयडोफॉर्म पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या नाम है, इसमें क्या दिक्कत रही, आपको कहाँ समझ नहीं आया, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपने प्रश्न पे फिर से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो जहां भी नाइट्रोजन लगेगा वह नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ठीक है। अब यूरिया तो हर कोई जानता है कि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 46% नाइट्रोजन होता है, तो इसकी ये तो हर किसी को मालूम है। अमोनिया जो होता है, ठीक है, NH3, यहाँ भी आपको नाइट्रोजन मिल गया, साइनाइड कैल्शियम में तो मान लो CA हो गया, कैल्शियम हो गया, लेकिन अगर साइनाइड की बात करें तो CN होता है, यहाँ भी आपको नाइट्रोजन मिल गया। लेकिन जो सुपर फास्फेट लाइम है, आप सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यहाँ पे आपको क्या नाम है, नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है सुपर फास्फेट लाइम का, लाइम का कैल्शियम, ठीक है, H2PO4, आपको यहाँ कहीं नाइट्रोजन देखने को मिला, नहीं दिखा, ठीक है। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में क्या होता है, ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, बाकी सब के सब क्या नाइट्रोजन उर्वरक है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लेते हैं आपको बर्फ जमाना है, ठीक है, आप पानी में नमक मिला दिए, उसके बाद आप जमा रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसके हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो हिमांक घट जाएगा, ठीक है, हिमांक घट जाएगा। और क्वथनांक जो होता है, अगर वहां पूछा जाए क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वथनांक मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट,
इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। हिमांक का घटने का मतलब हो गया, जो पानी जीरो पे जमना था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो जीरो से नीचे पे जमेगा, ठीक है, जीरो से और नीचे पे आ जाएगा, तो -24 के आसपास हो जमेगा, ठीक है, -24। अगर -24 में जमेगा, जब वो निकाल के बर्फ देगा आपके हाथ में, तो इतनी जल्दी वो क्या होगा, दरों में परिवर्तित नहीं होगा। मान लेते हैं कोई पानी है जीरो पे, वो जमा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या है, जमा है, तो जैसे आपको मिलेगा तुरंत उसका आपके हाथ में आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस होना शुरू हो जाएगा, तो पानी बन के बह जाएगा। लेकिन आपको आइसक्रीम थोड़ी देर तक खानी होती है, तो इसमें नमक मिलाया जाता है, तो -24 से जीरो तक आने में टाइम लगेगा, तब तक आप आइसक्रीम खा के खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसमें नमक मिलाया जाता है, जिससे क्या होगा, उसका हिमांक जो है वो घट जाए और क्वथनांक जो उसका बढ़ जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कैलामाइन किसका अयस्क है, ठीक है, कैलामाइन किसका अयस्क है, ये जस्ता का अयस्क है, ठीक है, कैलामाइन जस्ता, जस्का, जस्ता मतलब जेड यन जिंक का अयस्क है। इसके और भी अयस्क है, जैसे जिंक ब्लेड हो गया, जिंकाइट हो गया, ठीक है, जिंकाइट, ठीक है, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंड, ये सब क्या अयस्क, अयस्क वह होता है जिससे उस धातु को निकाला जाता है, ठीक है, अयस्क क्या होता है, जिससे उस धातु को संशोधित करके निकाला जाता है। अगर टिन का पूछे तो इसका होता है कैसी टेराइट, कैसी टेराइट, ठीक, इससे निकाला जाता है। मैग्नीशियम के लिए मैग्नेसाइट हो जाता है, ठीक है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, एप्सम, ये सब क्या मैग्नीशियम के हैं। ताबा का बात करें तो क्यूपराइट होता है, ठीक है, क्यूपराइट, एजुराइट, ठीक है, ये सब तांबे के हैं। तो जो कैलामाइन है वो जस्ते का अयस्क है। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है, ध्वनि जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करती, ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, और जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है। नॉर्मली जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ये हवा की बात हो रही है, ये हवा में ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, लेकिन यदि लोहे की बात करेंगे तो ये चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। यदि आपको एक पेड़ की उम्र का पता लगाना, तब क्या करेंगे, तो जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इसकी उम्र का आपको पता लगाना है कि इसकी उम्र कितनी है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप नीचे तने से काट देंगे, ठीक है, तना इसका काट देंगे, आप यहां देखेंगे जब तना कट जाएगा तो ये नीचे इसका जड़ है, यहाँ आप देखेंगे वलय, ठीक है, ये जो वलय है इनको आप गिनेंगे, ये जितने वलय होंगे उतने ही वर्ष का ये पेड़ होगा। तो तने के तने पर बने जो वार्षिक वलय होते हैं, इनको गिन के हम क्या करते हैं, पेड़ की उम्र का पता लगा लेते हैं, ठीक है, ये नहीं कि जड़ खोद कोई गहराई ना आपते कितना गहरा गया है, बस तने पर जितने वार्षिक वलय होते हैं उसी से हम उसका उम्र का पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी किस प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, सौर ऊर्जा को यदि रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी एक पत्ती है, ठीक है, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, पत्ती हो गई, इसमें क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, सूर्य का जो प्रकाश है इस पे पड़ेगा, ठीक है, और पत्ती इधर से पेटियोल से जुड़ा होता है तने से, और इधर ये जुड़ा होता है जड़ से, जड़ से क्या होगा, इधर से क्या आएगा, वाटर और मिनरल आएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे, ये इसके पास स्टोमेटा होता है, ठीक है, रंध्र होता है स्टोमेटा, रंध्र, यहाँ से CO2 आके मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आया प्रकाश, यहाँ से आया क्या, इधर से आया जल, और इधर से CO2 मिल गई, क्लोरोफिल इसके अंदर है ही, तो ये सब जब प्रक्रियाएं एक साथ मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा, तो CO2 प्लस जल H2O, ये दोनों मिलेंगे, प्लस क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या है, पत्ती में क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब क्या होगा, इन सब की उपस्थिति में ये बना लेगा ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, प्लस क्या होगा, ये जल बनाएगा, ऑक्सीजन भी बनाएगा, ठीक है, O2 प्लस H2,
ये क्या होगा, एक प्रकाश ऊर्जा थी, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से ये रासायनिक ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो गया। तो इस क्रिया के लिए क्या जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के किस हिस्से में से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी जो होता है वो हमारा तना होता है, ठीक है, पौधों के तने से क्या होता है, हल्दी प्राप्त होती है। ये तना ऐसा होता है जो जमीन के अंदर होता है, इसको प्रकंद भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्रकंद भी कहते हैं। तो जो हमारी हल्दी होती है वो तने से प्राप्त होती है। जड़ की बात करें, जो हमारी गंजी होती है, मूली होता है, गाजर होता है, ठीक है, शलजम होता है, ये सब क्या है, गंजी, मूली, गाजर, शलजम, ये सब क्या है, जड़ है, ठीक है। और आलू हो गया आपका, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब तना है, ठीक है, ये सब तना है। अगला प्रश्न हमारा है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, लोहा तो हर कोई जानता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है, तांबा भी रक्त में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता। क्रोमियम का हमारे शरीर में कोई उपयोग ही नहीं है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता, बाकी मैग्नीशियम, तांबा, लोहा हमारे रक्त में पाया जाता है। लोहा का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए लोहा होता है, वह एक लोहे के जो अणु होते हैं या फिर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नारंगी प्रचुर स्रोत है, ठीक है, नारंगी किसका प्रचुर स्रोत है। तो नारंगी में विटामिन पाया जाता है, ठीक है, वो भी विटामिन कौन सा, विटामिन सी, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है हमारा नारंगी। जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आप जानते हैं कि ये सब, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, ठीक है, वसा लेनी है आप तो ऑयली चीज खाइए, ठीक है, प्रोटीन लेना है तो आपको दाल खाइए, मीट खाइए, अंडा खाइए, तो इन सबसे मिलेगा। लेकिन अगर आपको विटामिन लेना है तो आप खट्टे फल जैसे नारंगी, नींबू, आंवला, आम, अरे कच्चा आम हो, ठीक है, या अमरूद, इन सबसे आपको मिलेगा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न, अगला कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। प्लीज 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 आपसे फिर से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर अच्छा लगा ये तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे यदि हमारा वीडियो आपको पड़े चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए, ठीक है। तो चलिए आज विदा लेते हैं आपसे, जय हिंद, जय भारत।